पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा की फिसली जुबान, सीएम सैनी के सामने बोले, मैं मुख्यमंत्री राव इंद्रजीत का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। हरियाणा के दिग्गज भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा चुनावी सभाओं में आज कल कुछ और ही रास्ता पकड़े हुए हैं। दो दिन पहले उन्होंने भाजपा की विजय संकल्प रैली में सीएम नायब सैनी की मौजूदगी में विरोधियों को आड़े हाथों लिया था। वहीं मंगलवार को नारनौल में रामविलास शर्मा ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बता दिया। इस दौरान प्रदेश के सीएम नायब सैनी भी मंच पर ही थे। भाजपा की चुनौती रैली में रामविलास शर्मा की जुबान फिसली है या फिर वे भाजपा सरकार व सीएम की जानबूझकर मुखालफत कर रहे हैं, इसको लेकर महेंद्रगढ़ जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इतना जरूर है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश यादव को दोबारा मंत्री न बनाने से नाराज हैं। नारनौल की अनाज मंडी में थी चुनावी सभा। नारनौल की अनाज मंडी में मंगलवार को सांसद व भाजपा की भिवानी मंडी महेंद्रगढ़ सीट से प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के समर्थन में जन संकल्प रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने भाषण दिया। अंत में उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह का रैली में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। रैली में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री अभय सिंह यादव, नारनौल, अटेली व कोसली के विधायक भी थे। नांगल चौधरी में सुना चुके खरी खरी। नांगल चौधरी में भी दो दिन पहले भाजपा की विजय संकल्प रैली थी। इसमें भी सीएम नायब सैनी की मौजूदगी में रामविलास शर्मा ने जमकर भड़ास निकाली। भाषण के बीच में बोलने के लिए टोकने पर वे भड़क गए थे। उस रैली में रामविलास शर्मा ने कहा था कि पेड़ हमने लगाया, जब छांव में बैठने के दिन आए तो हमें कहते हैं समय नहीं है। इसके साथ उन्होंने कहा था कि नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव पूर्व मंत्री नहीं है। 4 जून के बाद वो फिर से शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें फिर से ओम प्रकाश यादव को मंत्री बनाया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।